एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री मदन लाल टंडन पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच अतुल टंडन, बिंदिया टंडन, बबीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा, आशु जुनेजा, दिनेश जुनेजा, सुरभि गुंबर, अंकुश गुंबर, शिवानशु टंडन अते उना दे समूह परिवार वल्लों महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्साए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री मदन लाल टंडन जी का जन्म पिता श्री बैशनाथ टंडन जी के घर माता श्रीमती प्रीतम देवी टंडन जी की कुखों आगरा विखे सन 1941 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाने अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी ने अपनी बीकॉम तक की एजुकेशन हासिल करन उपरंत मदन फाउंड्रीज एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम अधीन अपना आयरन स्टील बिजनेस शुरू किया। आप जी ने अपने काम नूं बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल कीता। आप जी दा व्याह श्रीमती उषा टंडन जी हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटे अतुल टंडन अते बेटियां बबीता अते आशु ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दियां बेटियां आपो अपने सहुरे करी सुखी व्योहता जीवन बतीत कर रही हैं। आप जी दे बेटे अतुल टंडन जी अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चलदियां उन्हां दे कारोबार नूं अते उन्हां दे संस्कारां नूं चार चन्न लगा रहे हैं। श्री मदन लाल टंडन जी की पोत्री सुरभि गुंबर इस समय श्री अंकुश गुंबर जी हुणा नाल यूएसए विखे सुखी व्योहता जीवन बतीत कर रही है। आप जी दे पोत्रे शिवानशु टंडन कैनेडा विखे अपने दादा जी, दादी जी अते अपने माता पिता दे नाम नूं रोशन कर रहे हैं। श्री मदन लाल टंडन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी मदद आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्ना सारे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। Thank you.
Thank you.
Yeah.
शुभ मंगल संचार
Thank you.
राम का नाम लेकर
नाम कर जाएगा। मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर है सब अपने घर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कहा गया है इस मृत्यु लोक पर कोई भी प्राणी अजर अमर होकर के नहीं आया है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए भगवान के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। जिसे ध्यान पूर्वक सुने, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष ज्ञान रूप से रहित होकर के दिव्य पुरुष पर परम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भाव यह है कि जब तक जीव को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तभी तक उसे इस लोक के तथा परलोकों के कर्मों की चिंता लगी रहती है। तभी तक उसे संयोग में खुशी होना और वियोग में दुखी होना अनुभव होता है। जब उसे अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं हूं, जल तेज आकाश नहीं हूं, तन मात्रा इंद्रिय नहीं हूं, मन बुद्धि चित तथा अहंकार नहीं हूं, अपितु मैं इन सब से विलक्षण हूं, तब उस शरीर को रहने से हर्ष नहीं होता है और शरीर के ना रहने से विषाद होना उसे अनुभव होता है। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे संबंधी गंधर्व नगर के समान हैं, कहा गया है कि औषधि हरि राम की खाइए, जन्म मरण के रोग मिटाइए। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन मरने से ही पाइए। किसी भी वस्तु को ईश्वर से मूल्यवान मत समझो, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के समान समझो। इनसे मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। तब वह मनुष्य न संयोग में खुशी होगा और न वियोग में दुखी होना अनुभव करेगा। कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिलता है। यह किस लिए मिलता है? धन कमाओ, धन के साथ में धर्म करो और साथ में भगवान का नाम स्मरण करने के लिए यह शरीर मिला है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़े एक बांधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी आया है वह एक न एक दिन जाना ही जाना है। चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जिसने जन्म लिया है उससे मृत्यु निश्चित है। सिर्फ क्या जाता है, जो भी हम कर्म करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, वही साथ में जाता है और सब कुछ यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं। लूट सके तो लूट लो, राम नाम का लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। लूटना है तो राम रस लूटो, पीना है तो राम रस पियो,
बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं है। तो आज जो है हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम लोगों के सामने स्वर्गीय मदन लाल टंडन जी नहीं रहे। उनकी अंतिम विदाई के लिए भगवान से स्मरण करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए कि इस आत्मा को शांति मिले और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चरण में लगाए। तो इनकी पत्नी जो है उषा देवी टंडन, लड़का जो है अतुल टंडन, बहू जो है बिंदिया टंडन, पोते जो है शिवांशु टंडन, पोती जो है सुरभि गुंबर, दामाद जो है अंकुश गुंबर, लड़की जो है बबीता चोपड़ा, आशु जुनेजा, दामाद जो हट गए संजय चोपड़ा, दिनेश जुनेजा, एंग्लिश गोत्र, इस सब इनके परिवार हैं। भगवान से ही प्रार्थना करना है कि इस आत्मा को शांति मिले और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चरण में लगाए। तो आज दो मिनट भगवान का नाम स्मरण करें जिससे इस आत्मा को शांति मिले और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चरण में लगाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गो जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, सम्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर बड़ा, सम्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, केसर तिलक हो वाला, मुख चंद्र सा उजाला, डालू गले में माला, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना
कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले इतना तो कर ना स्वामी, इतना तो कर ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले मेरे प्राण निकले सुख से, मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाओ घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले इतना तू कर ना स्वामी, इतना तू कर ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली का धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले इतना तो कर ना स्वामी, इतना तो कर ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, यह नेक सी अरज है, यह नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले इतना तो कर ना स्वामी, इतना तो कर ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सभी 2 मिनट आंख बंद करके अपने अपने गुरु महाराज भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान सियावर रामचंद्र भगवान का आंख बंद करके 2 मिनट ध्यान में बैठ जाए। भगवान से ही प्रार्थना करना है कि इस आत्मा को शांति मिले, भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चरण में लगाएं और इस परिवार को दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। तो 2 मिनट आंख बंद करके अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान कर लें। जय सियाराम। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शा
शांति शांति सुशांतर भवतु। इस परिवार को से कुछ धर्म स्थान पे दान निकाले गए हैं, चिंतपूर्णी मंदिर विक्रमपुरा, कुष्ठ आश्रम टंडालोर, आर्य समाज मंदिर, अपाहज आश्रम गौशाला, इस स्थानों के लिए दान निकाले गए हैं। भगवान से ही प्रार्थना करें कि इस आत्मा को शांति मिले और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने चरण में लगे। संस्थाओं से शोक समाचार किया गया है। महर्षि दयानंद मठ वेदनंद इनकी तरफ से परिवार को शोक समाचार आया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। जलंधर आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जलंधर रोड टांडा रोड जलंधर की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। एक शोक समाचार है चौधरी राम कुमार की तरफ से और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। टंडन परिवार संजीव टंडन राइट फ्रॉम न्यू दिल्ली, संजीव टंडन फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये सबकी तरफ से शोक समाचार आए हैं। जो यहाँ पर पधारे हैं आदरणीय मदनलाल टंडन जी को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्रसाद सभी ने लेके जाना चाहिए, सभी ने प्रसाद लेके जाना।
कभी भूल होगा, इतने शक्ति